ये जो नाहरगढ़ किला है ये पहाड़ी के ऊपर बना है, यहाँ से हम पूरे जयपुर का शानदार सा व्यू भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं नाहरगढ़, हमने टिकट भी ले ली है, एक टिकट का 50 रुपये लगता है। अभी रिमझिम बारिश हो रही है तो मौसम भी बहुत अच्छा है नाहरगढ़ घूमने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स अब हम अच्छे से नाहरगढ़ को घूमते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है शीश महल, लेकिन शीश महल की वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकते। शीश महल को देखने के लिए आपको खुद को ही आना पड़ेगा। और यह है बहुत ही शानदार वगी। ये जो नाहरगढ़ का किला है इसका नाम पहले नाहरगढ़ नहीं था, इसका नाम नाहरगढ़ होने के पीछे बहुत ही अच्छी कहानी है। जब इस किले का निर्माण शुरू किया था तब ये किला कहलाता था सुदर्शनगढ़। और जब इसका निर्माण हुआ करता था उस वक्त क्या होता था कि जो भी निर्माण कार्य शाम तक हुआ करता था वो मॉर्निंग में आके देखते थे तो सारा का सारा ध्वस्त मिलता था। तो इस तरह से किले का निर्माण नहीं हो पा रहा था। फिर इन हालातों में तांत्रिक की मदद ली, उनसे पूछा तो उन तांत्रिकों ने बताया कि इस जगह पे नाहर सिंह नाम का कोई व्यक्ति है, शायद इनका ही कोई पूर्वज है, उसकी आत्मा नहीं चाहती कि इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ पड़े, उसकी आत्मा चाहती है कि इस किले का नाम मेरे नाम पे पड़े, इसलिए फिर इस किले का नाम नाहरगढ़ निकाला। और वो जो नाहर सिंह जी थे उनका स्थान भी इस किले के पास में छोटा सा बनाया गया है। तो इस प्रकार जैसे ही इस किले का नाम नाहरगढ़ रखा फिर इस किले का निर्माण बिना किसी विघ्न आसानी से भी हो गया था। और यहाँ से आप बहुत ही शानदार सा व्यू देख सकते हैं, वहाँ पे नीचे बच्चे खेल रहे हैं। हम काफ़ी ऊंची पहाड़ी पे होने के कारण बहुत ही छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से पूरी पिंक सिटी भी बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रही है। और नाहरगढ़ किले के जस्ट सामने ये बावड़ी बनाई गई है, यहाँ वर्षा का जल पहाड़ियों से निर्मित नालियों के माध्यम से बहता हुआ इस बावड़ी में एकत्रित होता है। नालियों के बीच में छोटे छोटे टैंक बने हुए हैं जो वर्षा के पानी को रोककर शुद्ध करती थी। अभी भी ये बावड़ी पानी से काफ़ी भरी हुई है। बावड़ी के चारों तरफ सीढ़ियाँ भी बनाई गई है बावड़ी में जाने के लिए। और ये देखिए कंकड़ पत्थर नाली के बीच में ही रुक जाया करते थे और इस प्रकार से नालियों से पानी आया करता था। ये देखो बादल अभी बहुत ही छाए हुए हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, मौसम अभी बहुत ही ठंडा है। तो अब हम चलते हैं महल के अंदर। और यहाँ पे रखी गई है छोटी छोटी दो तोप। हर महल के सामने जब ये तोपें रख दी जाती है तो महल की जैसे शान ही बढ़ जाती है। और ये है बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा महल। अब हम इंटर करने वाले हैं इस महल के मेन चौक के अंदर। तो आइए गाइज मेरे साथ चलते हैं इस मेन गेट से अंदर। यहाँ पे फ़ोटोग्राफी के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं और वास्तव में फ़ोटोग्राफी के लिए ये बहुत अच्छा पैलेस भी है। दोस्तों इस नाहरगढ़ किले का निर्माण 1734 में हुआ था और इस किले का निर्माण शुरू करवाया था सवाई राम सिंह जी ने, और इसका निर्माण पूरा हुआ था माधो सिंह जी के टाइम में। माधो सिंह जी ने बनाए थे इस महल में अपने 9 रानियों के लिए 9 महल। और ये जो 9 महल है वो माधो सिंह जी ने बिल्कुल सेम ही बनवाए थे ताकि 9 रानियों में लड़ाइयाँ बिल्कुल भी ना हो। अब हम प्रवेश कर रहे हैं 9 में से किसी एक महल के अंदर, क्योंकि सारे महल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सभी महल सेम जैसे ही है। इस महल का ये जो फर्श है इसमें कोई चेंज नहीं किया है, बाकी दीवारों और पेंटिंग पे कलर किया गया है। ये देखिए कितनी शानदार सी पेंटिंग आपको दिखाई दे रही है, बहुत ही शानदार है ये देखिए। तो दोस्तों इस महल की खास बात यह है कि ये सभी महल आपस में कनेक्टेड है। हम किसी एक महल में घुसेंगे तो सारे महल देख के लास्ट वाले महल से अपने आप ही वापस निकल जाएंगे। तो आइए गाइस अंदर जाके हम देखते हैं कि किस तरह से जोड़ा गया है। इधर से प्रवेश करते हैं हम। ये जो गुप्त रास्ता है वो माधो सिंह जी ने इसलिए बनवाया था ताकि वो किस रानी के पास किस महल में जाए दूसरी रानियों को पता ना चले। ये देखिए ये आ गया फर्स्ट महल, बहुत ही शानदार पेंटिंग और डिजाइन से बनाया गया है, बहुत ही बड़ा महल है।
और ये देखिए इस महल के ख़त्म होते ही ये फिर से गुप्त वाला रास्ता, ये देखो। और इस रास्ते से हम अब छत की ओर चलेंगे, उधर देखते हैं। यहाँ पर भी सभी लोगों की फ़ोटोग्राफी चल रही है। और यहाँ पे हम सभी देखने के बाद इस रास्ते से हम चलते हैं छत के ऊपर। ये बहुत ही छोटा सा पतला सा रास्ता है, एक व्यक्ति जा सकता है और एक ही जा सकता है, बहुत ही पतला है। और यहाँ पास में ही एक रेस्टोरेंट बनाया गया है जो आप रात में 10 बजे तक यहाँ पे रुक सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये वही चौक है, इसी रास्ते से हम ऊपर आए थे। और यहाँ से आप देखोगे तो दूर दूर तक जयपुर ही बसा हुआ आपको दिखाई देगा। जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही है जयपुर ही दिखाई दे रहा है, लोगों के घर मकान, कितना शानदार सा व्यू दिखाई दे रहा है आपको। और ये देखिए फ्रेंड्स, महल के चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही शानदार। और ये है अपनी खूबसूरत सी पिंक सिटी। ये देखिए गाइस, यहाँ पे सभी लोग खड़े होकर जयपुर के शानदार से नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं। और ये देखिए पूरा महल ऊपर से कितना शानदार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शाम के समय काफ़ी लोग आके इस शानदार सा व्यू का आनंद लेते हैं। यहाँ पर ये आपको झंडा लगाया हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ही वो नरसिंह जी का टेम्पल बनाया गया था। ये देखो गाइस, नारगढ़ किला इतना ऊंची पहाड़ी पे है कि पूरा जयपुर चारों तरफ से दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हरा भरा, बहुत ही मनोरम शानदार दृश्य है। और अब अपन चलते हैं वापस महल के नीचे और आपको दिखा देती हूँ शानदार सी पेंटिंग्स। बहुत ही खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई है। ये देखो गाइस, आज भी वैसी की वैसी पेंटिंग बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है। और अब हम वापस आ गए हैं मेन चौक, मेन आंगन में। अब मैं यहाँ पे एक दो फ़ोटो ले लेती हूँ। तो दोस्तों, ये है नाहरगढ़ किला, कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया यहाँ आके। दोस्तों, आप नाहरगढ़ किले को अच्छे से घूमने के बाद जयपुर सिटी के अंदर जाना चाहते हो तो ये शॉर्टकट रास्ता है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये रास्ता तो आपको शॉर्टकट पड़ेगा, लेकिन ये रास्ता बहुत ही पतला और तेज़ ढाल वाला रास्ता है। अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक गाड़ी चलानी होगी, क्योंकि इतनी ढाल है कि गाड़ी ऑटोमेटिक ही चल रही है और बहुत डर लग रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ये ऐसा रास्ता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो कितना पतला रास्ता है, आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। देखने के बाद अगर आपका मन करे तो ही इस रास्ते से आना, वरना डर तो बहुत लगेगा आपको। हम तो बहुत ही धीरे धीरे गाड़ी चला के आ रहे थे, डर भी बहुत लग रहा था कहीं गिर ना जाए, अगर गिर गए तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये देखिए वो बीच में जलमहल भी यहाँ से है, बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। ये पीछे से रास्ता देख लीजिए। यहाँ पे मोड़ भी इतनी खतरनाक बनाई गई थी, बहुत ही तीव्र मोड़ थी।